आई एम डॉक्टर जहांगीर अली ज़ुबैरी, ग्रेजुएट फ्रॉम इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद ऑफ 2022 बैच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि FCPS पार्ट वन एग्ज़ाम है क्या। FCPS पार्ट वन एग्ज़ाम इज़ बेसिकली ये एग्ज़ाम आपकी जो है जो बेसिक नॉलेज जो आपने फर्स्ट 3 ईयर्स के अंदर जो है जो आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो कि बेसिक साइंसेस से रिलेटेड हैं वो आपकी नॉलेज जो है वो उसमें टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट जो है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि आपने सिर्फ फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स पढ़ ली और आपने अपेयर हो गए, तो ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट ये होता है कि इसके अंदर दो जो है पेपर वन होता है एक और एक पेपर टू होता है। दोनों के इसमें आपके पास 100-100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो और इन जो इनका जो एग्रीगेट बनता है अगर आपका 75% बनेगा तो आप पास होंगे, वरना जो है आप जो है पास नहीं हो पाएंगे दोनों को मिला के। मतलब अगर आपको जो है टोटल 150 से अबव लेने या 150 या 150 अबव लेने 200 में से, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि इसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है वो रिगार्डिंग बेसिक सब्जेक्ट्स आपकी कैसी है। अगर आप जो है कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है तो आप एज़ कम्पेयर टू अदर्स जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने 25 डेज़ में प्रिपरेशन की थी, मेरी थोड़ी बहुत जो बेसिक नॉलेज थी वो बेहतर थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे MCQs ये मुझसे सही सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने जो दिया था पेपर वो दिया था मेडिसिन एनालाइट के अंदर, ठीक है। इसमें से आपको कोई भी स्पेशलिटी जो भी चूज़ करना चाह रहा है वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है कि कौन सी स्पेशलिटी में वो देना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा इसकी प्रिपरेशन के लिए, आपको आपके पास रिसोर्सेज कौन सी होनी चाहिए। रिसोर्सेज में आपको जो फर्स्ट रिसोर्स मैं बताऊंगा वो है रफ़ीउल्ला का। आप या तो 12 एडिशन इस्तेमाल करें, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि 13 एडिशन इस्तेमाल करें, ठीक है। और रफ़ीउल्ला के सिवा आपने पॉइंट्स करने हैं, ठीक है। पॉइंट्स को आपने जो है ना बार बार एटलीस्ट 2-3 times आपको रिवाइज़ करने हैं पॉइंट्स, ठीक है। दूसरी मैं रिसोर्स आपको बताऊँगा कि एक डबल ए बुक आती है बाय डॉक्टर आतिफ अफजल, तो वो जो है आपको बुक रखनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप ऐसे करो प्रेप के ना, आपने जिस टॉपिक के आपने रफ़ीउल्ला के पॉइंट्स किए उसी टॉपिक का जो चैप्टर आप जाके डबल ए से सॉल्व करो, ठीक है। डबल ए से सॉल्व करके उसी के साथ चैप्टर वाइज MCQs दिए होते हैं डबल ए में, आप वो वहाँ से सॉल्व करो, ठीक है। तो आपकी जो है ना इसमें प्रिपरेशन बेहतर हो सकती है और टाइम आपका कंज्यूम कम होगा, ठीक है। और जो थर्ड रिसोर्स मैंने इस्तेमाल की थी वो BRS फिजियो। अच्छा, BRS फिजियो को इस्तेमाल ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही करना है आपने कि आप अगर वैसे ही पढ़ना शुरू कर दोगे BRS फिजियो तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कुछ पॉइंट्स जो है ना रफ़ी से पढ़े, जैसे फिजियो आप कर रहे हो तो फिजियो के आपने पॉइंट्स रफ़ी से करने हैं, फिर डबल ए से करने हैं, ठीक है। फिर कुछ आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, फिर आप BRS फिजियो की तरफ जाओ। तो BRS फिजियो के अंदर जो है ना वो फर्दर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक के हवाले से जो डिटेल में है। अच्छा, जब आप चैप्टर वाइज MCQs करोगे तो आपको एक नो हाउ हो जाएगा कि मतलब कौन कौन से टॉपिक्स इस पर टेस्ट हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब जैसे मैंने मेडिसिन एनालाइट किया है तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशलिटी होती हैं उस पर फोकस ज़्यादा दिया होता है और कुछ जो है ना डिफरेंट स्पेशलिटीज़ पे कुछ चीज़ों पे कम फोकस दिया होता है, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा। से अगर मैं अपना मेडिसिन एनालाइट का बताऊँगा तो इसमें न्यूरोनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो है इन चीज़ों पे जो है ना ज़्यादा फोकस दिया होता है, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर वही आता है। बाकी न्यूरोनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटमी से जो है ना बहुत कम पोर्शन आता है, एटलीस्ट मेरे ख्याल में 10-15 MCQs आए थे उस वक्त। बाकी जो है ना ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। तो इसको आपके किस तरह करना है कि अगर आप अपना प्लान बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप पहले थ्योरी वाइज रिवाइज करोगे। जो SK के पास पेपर्स हैं वो आपको एंड में करने हैं, एंड के 1 month में करने हैं, ठीक है। इस तरह से आप प्लान करो, सबसे पहले क्या करो, आप अपनी थ्योरी कंप्लीट करो डबल ए, रफ़ीउल्ला, BRS फिजियो से। और अगर न्यूरोएनाटॉमी के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे नहीं है तो उसको न्यूरोएनाटॉमी को तुम
डबल ए से पढ़ो, डबल ए से पढ़ने के बाद उसको कैपलान की एक न्यूरल नेट भी बुक आती है, आप उससे कर सकते हो कवर। तो बेस्ट आपका यही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि न्यूरल एनाटॉमी जो है ना वो है सारी कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्चुअल चीज़। इसमें आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 5 to 10 days तो आपने सिर्फ न्यूरो एनाटॉमी लग सकते हैं, अगर आपकी बिल्कुल ही प्रीवियस नॉलेज है बिल्कुल भी अभी बिल्कुल रिफ्रेश नहीं हुई। तो आपने ये कर लिया, फिर लास्ट के जो मंथ, जब आप क्या करोगे, अगर 2 months की प्लान करो तो आप 1 month आप पूरा पर ये करो रफ़ीउल्लाह बीआर करो, और लास्ट मंथ में आपने क्या करना है अपनी स्पेशलिटी, जैसे आप, ऐसे मैं दे रहा हूँ मेडिसिन एंड लाइट, तो मेडिसिन की SK आती है SK 1 to 15, तो आपको वो करनी है। सर्जरी की SK 1 to 13 आती है, एनेस्थीजिया की अलग है, रेडियो की अलग है, गायने की होती है SK पिंक के नाम से आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पास पेपर क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्पेशलिटी की करना है, उसके बाद क्या करना है आपको SK 16, SK 17 और SK 18 जो आएगी, इन तीनों के करने होंगे पास पेपर्स। अच्छा, SK जो अपनी स्पेशलिटी के हैं वो करने हैं, उसके बाद इन सब के सारे सारे MCQs करने होंगे। क्योंकि अब मैं इस दफ़ा जो मैंने देखा है पैटर्न, के इस दफ़ा क्या हुआ है कि सर्जरी का पेपर रिपीट हुआ है, गायनी ऑप्स का रिपीट हुआ है, लेकिन मेडिसिन, ENT, एनेस्थीजिया, रेडियोलॉजी, ये तकरीबन 50 to 60% पेपर चेंज हुआ है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होंगे, तो आप इस पेपर में जब आप जाओगे तो आप जाके ना सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर शायद आप निकाल लो किसी तरह करके, कुछ लोग तो फर्स्ट पेपर में भी पैनिक करते हैं, लेकिन सेकंड पेपर में आप पैनिक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि MCQs ख़त्म, टाइम ख़त्म हो रहा है और MCQs आपको नहीं आ रहे, फिर आप स्किप करे जा रहे हो MCQ सारे। तो ये जो है ना बेस्ट यही है कि आप पहले थ्योरी का कॉन्सेप्ट सही करो अपने, रबल या रफ़ीउल्लाह BRS कैपलान न्यूरो एनाटॉमी से 1 month, और 1 month में आप जो है ये पास पेपर्स करो पूरे, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है, फिलहाल 2 months तो ऑलरेडी होंगे आपके पास, तो इसलिए इस तरह आप कर सकते हो। 25 days में आप इस तरह कर सकते हो प्रेपरेशन, अगर कोई करना चाहे, अगर उसकी बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी है, तो वो क्या करे कि वो डबल ऐसे चैप्टर वाइज MCQs करे विथ थ्योरी फ्रॉम रफ़ीउल्लाह। तो आपका तकरीबन, अगर आपकी थ्योरी बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी है तो आप कर सकते हो ऐसे भी, तो जो है ना बेस्ट यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।